मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सूजी प्याज के पराठे। ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, एक प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, एक चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले हम एक बर्तन में डालेंगे एक कप सूजी, स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच जीरा, एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला डालकर सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस की हुई अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और एक चम्मच तेल डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज में मॉइस्चर है, इसलिए पानी कम लगेगा। शुरू में हमें सूजी का आटा थोड़ा दरदरा लगेगा, पर जैसे जैसे हम सूजी का आटा गूंथेंगे सूजी चिकनी होती जाएगी और आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट गूंथकर तैयार हो जाएगा। अब ये आटा हमने इस तरह गूंथकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी थोड़ी फूल जाए और आटा बहुत ही अच्छा सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम खोलकर देखेंगे। अब ये सूजी फूल चुकी है और आटा भी सेट हो गया है। अब इसे हम एक बार और मसल कर गूंथ लेंगे। अब ये आटा अच्छा गूंथ कर तैयार हो गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम सूजी के आटे की एक बड़ी लोई लेकर उसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। फिर हम एक छोटी लोई लेकर उस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर उसे हम बेल लेंगे। पराठे का साइज आप बड़ा भी कर सकते हैं, हमने यहाँ छोटे बनाए हैं। ये हमने अभी इतने बेल कर तैयार कर लिए हैं, पहले हम इन्हें सेक लेते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और तवे पर थोड़ा घी डालकर अच्छे से चिकना कर देंगे और गर्म होने देंगे। तवा गर्म होने के बाद इस पर हम ये पराठों को डाल देंगे। और इन्हें हम नीचे से सिकने देंगे। अब ये पराठे नीचे से हल्के सिक चुके हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे और इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसी तरह हम फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी घी लगा देंगे। फिर हम इसी तरह पलटते हुए इन्हें हम दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं ये सूजी के पराठे बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठीक इसी तरह हम बाकी पराठों को भी बेलकर सेक लेंगे। अब ये पराठे भी सिक चुके हैं, अब इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। ये हमारे सूजी के पराठे बनकर तैयार हैं।
आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितने अच्छे सिके हैं और अंदर से भी कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसे सब्जी के साथ या अचार के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे और आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।